Hey guys, welcome to my YouTube channel. My name is KP Sharma. My qualification is Diploma in Medical Laboratory Technology. जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से जैसा आपने टाइटल देखा, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे YouTube चैनल के ऊपर रिलेटेड टू वीडियोज अपलोड होते रहते हैं, DMLT, BMLT, BSc, MLT, और दोस्तों जो भी MLT स्टूडेंट है और जो लैब टेक्नीशियन है, या अगर आप टेस्ट के बारे में इंटरेस्टेड हो जानने के, तो दोस्तों कंप्लीट वीडियोस इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड होते रहते हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ में आपको बेल आइकन भी प्रेस कर देना है। इस चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम TSH लगाएंगे इस मशीन से, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको पावर ऑन कर देना है मशीन का, ठीक है गाइस। ये दोनों पावर ऑन कर देते हैं हम। उसके बाद में आपको यहाँ पे छोटा बटन दिया गया हुआ है, इसको भी ऑन करना है। मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ, देख सकते हैं आप स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम TSH लगाएंगे, TSH कैसे लगाया जाता है आप देख सकते हैं। उस मशीन के लगाने के लिए दोस्तों आप ये TSH का इस टाइप का कार्ड होता है। अब हम अंदर से मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से लगता है। ये टेस्ट सीरम और प्लाज्मा दोनों से लगता है। अब कैसे लगता है हम इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू बने रहिए, हम बात करेंगे ये टेस्ट कैसे लगेगा। हम इस कार्ड को फाड़ लेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं अंदर से इस टाइप का कार्ड निकलेगा। आप देख लीजिए, ये कंप्लीट आपको कार्ड दिख रहा होगा पूरा TSH का। फिर उसके बाद में आपको क्या करना होगा, जो भी पेशेंट का नेम होता है वो आपको पेशेंट का नेम यहाँ पे लेबल करना होता है, जिस कारण चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। पेशेंट का नाम डालना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसकी एज भी आप डाल दीजिए सेम नाम है तो। फिर गाइस आप देख सकते हैं मशीन के अंदर हम आ जाते हैं वापस। मशीन को आपको यहाँ पे ओके करना है, ठीक है। अब ये रेडी है मशीन टेस्ट के लिए। अब हम वापस नेक्स्ट प्रोसेस के, ठीक है गाइस। अब देख सकते हैं सैंपल सेंट्रीफ्यूज हो चुका है, ऊपर प्लाज्मा या सीरम जो भी आपके पास अवेलेबल है। हम जो टेस्ट लगा रहे हैं वो प्लाज्मा से लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 50 सीरम लेना है हमें, 100 लेना है, 100 माइक्रो सीरम लेना है। तो हम क्या करेंगे, 50-50 करके डाल देंगे। अब देख लीजिए, आपको यहाँ पे इस कार्ड के अंदर जो TSH का कार्ड होता है वहाँ पे आपको यहाँ पे S सीरम लिख रखा है, यहाँ पे डालना है, ठीक है गाइस। वापस हम सैंपल लेंगे, 50 और लेंगे। आप देख लीजिए कंप्लीट 100 हो चुका है, ठीक है गाइस। 50-50 हमने डिवाइड करके लिया है ताकि क्या है सैंपल प्रॉपर आ सके, ठीक है गाइस। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है हम वो बात करेंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों जो बी लिख रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बफर की जगह हम एक बूंद एक ड्रॉप बफर डालेंगे। ये हमने बफर डाला एक ड्रॉप, बफर डालने के बाद अब हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको ये मशीन है, ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो भी आपने प्लाज्मा या जो भी सीरम आपने लिया है उसको एक बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जिस कारण दोस्तों हम इस मशीन के अंदर लगाएंगे तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। आप देख सकते हैं इसे हम हीटिंग ब्लॉक भी कहते हैं। आप देख लीजिए, इस टाइप का मशीन होता है। इसके अंदर दोस्तों मिनिमम जो टेम्परेचर आपको रखना होता है इस मशीन के अंदर TSH के लिए वो होता है 45 मिनट, ठीक है गाइस। 45 मिनट हम यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर 45 हम इस मशीन के अंदर कैसे टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो भी हम बताएंगे, ठीक है गाइस। सबसे पहले आपको टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको पेशेंट का नाम डालना है, हम पेशेंट का नाम डाल देते हैं, जो भी पेशेंट का आपके जो पेशेंट का नाम है वो आप डाल दीजिए। पेशेंट का नाम डालने के बाद आपको डालना है पेशेंट ID, जो भी पेशेंट ID होती है, हम डाल देता हूँ 43 शीट। उसके बाद में आपको एज डालनी होती है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है गाइस। एज डालने के बाद आपको डॉक्टर का नाम डालना होता है यहाँ पे, हम डाल देते हैं। अब देख लीजिए डॉक्टर का नाम डालने के बाद अब आपको क्या करना है, ठीक है गाइस, ये पूरा आपको कंप्लीट रखना है, जो भी आपका मेल फीमेल जो भी डाल देना है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दोस्तों यहाँ पे TSH के ऊपर क्लिक करना है। आप देख लीजिए जो भी आप कार्ड लगाते हो उसके ऊपर ही क्लिक करना है। TSH हम ले रहे हैं तो हम TSH बता रहे हैं तो TSH के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है गाइस। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रोसेस हम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइमिंग चल रहा है, जो ये स्टॉप वॉच है वो 27 मिनट और बाकी हैं। 27 मिनट के बाद हम इस मशीन से ये कार्ड रिमूव कर लेंगे, क्योंकि इसका टेम्परेचर होगा वो मेंटेन हो जाएगा। इसका जो मेन फंक्शन होता है टेम्परेचर मेंटेन करना,
ताकि एक बॉडी के स्टैंडर्ड टेम्परेचर से हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं अभी टाइम चल रहा है, आप वेट कीजिए। दोस्तों तब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही कंटिन्यू वीडियोस लाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस लाऊं, जिस कारण दोस्तों मैं आपको बता सकूं। और हम काफ़ी सारे अलग अलग टेस्ट के, इस मशीन से कौन से टेस्ट करते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, जो भी टेस्ट लगते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं जो टाइम है वो कंप्लीट होने को आ चुका है और अब हम मशीन के अंदर हमने कंप्लीट एंट्री कर रखी है। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं टेम्परेचर पूरा मेंटेन हो चुका है, हमने 45 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में इस पिंड को यहाँ से निकालेंगे। आप देख लीजिए इस कार्ड को इसके अंदर लगा के हम कैसे रीडिंग यहाँ पर रिजल्ट शो होगा। आप देख सकते हैं हमने पहले ऑलरेडी डाल रखा था जो भी टेस्ट था उसके बारे में प्रॉपर। उसके बाद में आप देख लीजिए ये बिल्कुल होने वाला है, टाइम काफ़ी जल्दी होने वाला है। आप देख सकते हैं टाइम हो चुका है, हम इसको स्टॉप कर लेंगे। उसके बाद में हमें ये कार्ड यहाँ पे लगाना होता है, उसके बाद में हमें रन करना होता है। रन के ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे वेट का ऑप्शन आ रहा है, हमें वेट करना पड़ेगा। जो मिनिमम वेट होगा वो होगा 10 से 20 मिनट तक हमें वेट करना होगा। आप देख सकते हैं स्कैनिंग हो रही है मशीन के अंदर, तो ऐसे में स्कैनिंग चल रही है, हम वेट कर रहे हैं। वेट करने से पहले दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने TSH के बारे में बात की आज की इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग जो आ चुकी है वो है 3.6। ठीक है गाइस, रीडिंग आ चुकी है।